ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है। वह हम ही है जो अपने आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते रहते हैं कि कितना अंधकार है। और ये सबके जीवन का ना एक बहुत कड़वा सच्चाई है, क्योंकि हम कभी प्रॉब्लम फेस करना चाहते ही नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे तो अपने आप को पहचानेंगे कैसे कि आपके अंदर कितना क्षमता है और आप किस प्रॉब्लम से कितना लड़ सकते हैं। तो हर एक इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम जो है वो कभी प्रॉब्लम बनकर नहीं, एक समाधान बनकर आता है। वो आपको ये दिखाता है कि आप जो समझ रहे हैं कि आपका औकात बस ये करना है, करने का है, वो उतना नहीं है, उससे ज्यादा करने का आपका औकात है। तो जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आता है ना, तो देखना उस प्रॉब्लम से आप जरूर झेल लोगे और उसके बाद जो खुशी मिलेगी वो होती है रियल खुशी। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और कल रात को ही मैंने बता दिया था कि पीरियोडिक टेबल का थ्योरी वाला वीडियो आज आपको दोपहर में 2 बजे फिर से मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, क्लास के बीच में 15-20 मिनट क्लास होने के बाद अगर बीच में आएंगे और बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है, तो कहानी के बीच में कोई भी घुसेगा तो कहानी समझ में नहीं आएगा। और पीरियोडिक टेबल तो एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जहां से 5-6 नंबर जिसके ऊपर पूरा फिजिक्स आप बोल सकते हो, केमिस्ट्री डिपेंड है, आप ये बोल सकते हो इस चीज को। और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो क्लास 9, 10, 11, 12 में समझ नहीं पाए, इतने दिन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं समझ पाए, अगर आज 1-1.5 घंटा अगर जान लगा देना और कोशिश करे समझने का पूरा वीडियो देखकर थोड़ा बहुत भी, तो भैया मेरा आधा मुश्किल खत्म हो जाएगा। इस टारगेट से, इस मनसा से अगर देखोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। क्लास का पूरा पीडीएफ इसका सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 26 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कल शाम को आपका मैथ का क्लास हुआ था पहला क्लास, आज दूसरा क्लास है। मैंने क्या निर्णय लिया है, 3 क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म करना है, इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं, मतलब एक क्वेश्चन एग्जाम के बाहर नहीं आएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। आज का पहला प्रश्न है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक हाल फिलहाल में एक नया पहल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम दिया गया है आपका उम्मीद, किस बीमारी को रोकने के लिए, यह आपको बताना है। और उस बीमारी का नाम है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है भैया, आपने देखा होगा बहुत सारे मेरे भाई बहन जो बच्चे पैदे होते हैं ना, तो कभी उनका बॉडी सही आकार में नहीं होता है, उनके वो बहुत सारे बीमारी से जूझते हैं। उससे लड़ने के लिए जो है केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक नया पहल स्टार्ट किया है जिनका नाम दिया है उम्मीद। याद रखिएगा, क्वेश्चन कट टू कट आपको क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप फोटो देखकर ही समझ गए होंगे, मोदी साहब है, तो इनको ही जो है हमारे देश के पीएम को ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है भैया ये ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, आपने देखा होगा अभी बहुत सारा देश गंदा है, एनर्जी या बोल सकते हो पर्यावरण से बचने के लिए बहुत कुछ चल रहा है। और आपको पता है देश में एक नया पहल चालू किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान, इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, इस चीज के लिए जो है ये इनको ये अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, आप देख भी रहे होंगे झाड़ू लगा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सीबीडीटी ने लॉन्च किया है एक NEAC, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर खोला गया है उनके द्वारा न्यू दिल्ली में, किस चीज के लिए, फेसलेस एंड नेमलेस असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स पेयर के लिए, ठीक है। और आपको बताना है ना, ये NEAC का जो चीफ है वो किसे बनाया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ दिस NEAC, इस NEAC के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उनका नाम है आपका KM प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में 6वें भारत जल सप्ताह 2019 का उद्घाटन किया है, आपको बताना है। द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनोग्रेटेड द 6th इंडिया वाटर वीक 2019 इन विच सिटी, और ये किया गया आपका न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और दिल्ली का राज्यपाल तो अनिल बैजाल, ठीक है।
अगला प्रश्न हमारे सामने है, आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? हु है, आप ये भी बोल सकते हो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ फेडरल बैंक? तो आपका आंसर होगा श्याम श्रीनिवासन को अपॉइंटेड किया गया एज अ सीईओ फेडरल बैंक का। अच्छा, फेडरल बैंक का टैगलाइन क्या है? तो आपको फोटो के जस्ट नीचे दिखाई दे रहा होगा इसका टैगलाइन। हर एक बैंक का अलग अलग टैगलाइन होता है। तो फेडरल बैंक का टैगलाइन क्या है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है फेडरल बैंक का? तो अलुवावा केरला में। सीईओ मैं बता ही चुका हूं कौन है, आपका नीचे भी लिख दिया हूं, श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, क्वेश्चन कट टू कट क्लियर रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ना क्या किया है कि ट्रेडिशन और टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए अपने राज्य में, यानी राज्य की परंपरा और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए इनमें से किसे ऐसा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है अपने राज्य का मध्य प्रदेश ने? गोविंदा, अमिताभ बच्चन, रवि किशन या फिर अनुष्का शर्मा? पिक में दिखाई दे रहा होगा कौन है, ये गोविंदा है, इनको अपॉइंटेड किया गया है महाराष्ट्र बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य की परंपरा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और मध्य प्रदेश की वही बात करूं तो सीएम कौन है, कमलनाथ, गवर्नर लालजी टंडन, कैपिटल क्या है तो वो है आपका भोपाल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट, आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है 2019 का किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया है। किसको? अमिताभ बच्चन को दिया गया। अच्छा भैया, दादा साहेब फाल्के कौन है? दादा साहेब जो थे ना वो भारत सिनेमा के बोल सकते हो जिनको पिता बोला जाता है। पहला फिल्म कौन था इनका? तो हरिश्चंद्र, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, उसी के बाद उनके नाम पर एक अवार्ड बना जिसका नाम दिया गया दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और इस बार 19 में जो ये अवार्ड जिनको मिल रहा है उनका नाम है अमिताभ बच्चन। भैया इनका फोटो क्यों नहीं लगा है? सभी जानते हैं इनको, बहुत बड़े स्टार है। आप बोलेंगे भैया गोविंदा को भी जानते हैं लेकिन मैंने लगा दिया, चलो अमिताभ का कल से लगा दूंगा। ठीक है, यहां पर आर्गुमेंट मत करिएगा आप सभी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, सोंडोल नृत्य जो ये डांस है ना आपका, सोंडोल डांस, इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, करता है जो नृत्य है ये शाही नृत्य है, इसको किस रूप में माना जाता है, किस राज्य का है ये? तो ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है ये जो सोंडोल डांस है। हालांकि किस लिए मनाया जाता है भैया, जो लद्दाख के किंग है ना उनको, उनके सामने ये डांस जो है ये किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये भैया गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल क्यों किया गया इस डांस को? लद्दाख के जो राजा हैं उनके सामने 408 महिलाओं ने ऐसे पोशाक पहनकर जो है ये डांस किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सोंडोल डांस को शामिल किया गया है जो लद्दाख का एक डांस है, याद रखिएगा एग्जाम में बनेगा ये वाला प्रश्न। अब प्रश्न हमारे सामने है, जो एक्सरसाइज जो अभ्यास है आपका टाइगर ट्रैम्प, ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित किए जाने वाली पहला ट्राई सर्विस अभ्यास है? तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट यानी इंडिया और अमेरिका के बीच में। नाम याद रखिएगा अभ्यास का, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बोल दे रहा हूं एग्जाम में बनेगा। आपको यहां पर फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा इंडिया और आपका यूएस, ये पहला ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, एग्जाम में आ गया तो छोड़कर नहीं आना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि दिविज शरण जिनको हाल ही में किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, आप देख रहे होंगे ये टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं, हाथ में रैकेट है, तो ये किस खेल में मिला है इनको? टेनिस में। हालांकि अभी जो टूर्नामेंट चल रहा था सेंट पीटर्सबर्ग ओपन डबल टूर्नामेंट, उसमें इन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता है, याद रखिएगा। क्या नाम है? तो नाम है भैया इनका दिविज शरण। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, T20 में यानी 2020 क्रिकेट में तीन युतों की गेंदबाजी, यानी यहां पर तीन युतों बोला है, यानी तीन मेडन ओवर फेंकने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? यानी एक मैच में
तीन मैडन ओवर, और आपको पता है एक T20 मैच में एक बॉलर चार ही ओवर कर सकता है, और उस चार ओवर में तीन ओवर मैडन फेंका है, वो कौन सा भारतीय प्लेयर है? वो है आपका दीप्ति शर्मा। फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा, और इनके बारे में आपको थोड़ा भी पता होगा, ये बहुत अच्छी बॉलर भी है और बैटिंग भी कर लेती है। ये इंडिया टीम की ऑलराउंडर बोला जाता है इसको, महिला क्रिकेट टीम की, ठीक है? तो इनका नाम आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट सदस्य है ये हमारे इंडियन टीम की। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पीएम मोदी जी ने घोषणा की है फिर से कि हाल ही में प्रशांत द्वीप विकासशील राज्यों के लिए कितने रुपए जो है प्रदान करेगा हमारा भारत। तो इंडिया की तरफ से दिया जाएगा आपका 12 मिलियन यूएस डॉलर, बहुत बड़ी रकम होती है। पैसिफिक आइसलैंड डेवलपमेंट स्टेट के लिए जो इंडिया है वो 12 मिलियन डॉलर देने जाने वाला है, पीएम मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है, ठीक है? तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 26 सितंबर का। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर आज डाउनलोड कर लीजिएगा अभी सक्सेस की 98.in से। हालांकि टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहां से भी जुड़ जाइएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। और आज का 2 बजे का टाइमिंग आप याद रखिएगा, क्लास मिस ना हो पाए। और हाँ, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है? चलिए।